प्यारे भाई और बहनों आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो ये जो नया साल आ रहा है ये आप सबके लिए खुशियों से भरपूर हो आप सुखी रहें आपके परिवार सुखी रहें यही मेरी प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में है जब भी हम नए साल के पास पहुँचते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछले साल हमने क्या किया और अगले साल में हम क्या बेहतरी कर सकते हैं तो इस साल के लिए जो स्लोगन है वो है मेडिटेट मोर इन 2024 कि ये जो नया साल आ रहा है इसमें हम ज़्यादा अभ्यास करें क्योंकि अभ्यास के ज़रिए ही हम सब कुछ पाते हैं आजकल का समय है जबकि हर एक चीज़ पे बहुत रिसर्च हो रही है और रिसर्च हमें यही समझा रही है कि चाहे शरीर में कोई तकलीफ़ हो चाहे हमारे अंदर तनाव हो, चाहे हम अपने आप को ऐसी अवस्था में करना चाह रहे हैं जिसमें कि हम अपना ध्यान अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकें तो उन सब में हमें अभ्यास करना बहुत ही मददगार होता है तो भजन सिमरन करना अपने शरीर को शांत करना है अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है उसके साथ साथ जो आजकल के ज़माने में जबकि बहुत हलचल चल रही है तो उस हलचल में अपने आप को शांत हम अभ्यास के ज़रिए कर सकते हैं और वो बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं तो उनके लिए जब वो अभ्यास करते हैं तो वो अपनी पढ़ाई में बहुत बेहतर हो जाते हैं क्योंकि जो अभ्यास करने का तरीका है ये एकाग्र होने का तरीका है और जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है जैसे जैसे हम अभ्यास ज़्यादा करते चले जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम सही तरीके से ग्रहण कर पाते हैं और वो हमें जल्दी याद हो जाता है और हम उसके ऊपर फिर और चीज़ें और भी जल्दी जल्दी समझ सकते हैं इसके साथ साथ ज़िंदगी में जब तनाव आता है क्योंकि हलचल बहुत है और चीज़ें हम सब के लिए कभी एक किस्म की होती हैं कभी दूसरी किस्म की होती हैं तो अभ्यास के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाते हैं ताकि जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनमें कोई तनाव ना आए वो खुशी से और बढ़ते चले जाएं तो रिश्ते नातों को संभालने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इंसान शांत होता है तो जब अगर कोई दूसरा इंसान हलचल में होगा तो वो उसको जब जवाब शांति से देगा तो उसकी हलचल भी कम हो जाएगी तो हलचल को रोकने के लिए ताकि शांति से आराम से हम सबकी ज़िंदगी गुजरे उसमें भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी अभ्यास करना अपनी आध्यात्मिकता को बेहतर करना है हम सब यही चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाए हम सब यही चाहते हैं कि जो ज़िंदगी का मकसद है जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है वो हम सब के लिए पूरा हो जाए और उसी लिए हम अभ्यास करते हैं संदर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया और वो फरमाते हैं कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा करीब है उसे आवाज़ देके देख जरा तो समझाते हैं कि हम पिता परमेश्वर को ज़रूर पाएंगे प्रभु हमसे दूर नहीं वो तो हमारे भीतर ही हैं हमने करना क्या अपनी रूह को उड़ान देनी है अपनी आत्मा को अंदरूनी दुनिया में लेके जाना है क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे भीतर बैठे हैं और जैसे जैसे हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु की झलक हमें और ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है प्रभु की ज्योति और प्रभु की शुद्धि का जब हम अनुभव करते हैं तो हमारी आत्मा में प्रभु के प्रेम की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं और जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम वो प्रभु के प्रेम की लहरों के असर के साथ प्रभु से प्रेम करना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे हम अंदरूनी यात्रा पर जाते हैं तो जो अंदर के नज़ारे हैं वो और ख़ूबसूरत और, और ख़ूबसूरत होने शुरू हो जाते हैं तो ये जो नया साल है इसमें हमारी पूरी कोशिश हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ही हम देखेंगे कि हम सबके लिए बेहतर होगा मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें प्यार से भरपूर रहें आपके घर बार में सुख चैन रहे और आपका ध्यान प्रभु की ओर लगे ताकि आप प्रभु की झलक रोज़ाना देखा करें तो वंस अगेन मेडिटेट मोर इन 2024 और आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहे नए साल की एक बार फिर बहुत 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 आपको बधाई हो